जय सियाराम दोस्तों। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन का समय आने ही वाला है। इस समय सारी धर्म नगरी अयोध्या को सजाने सवारने का काम जोरों पर चल रहा है। सारी नगरी राममय हो गई है। आखिर 480 वर्ष बाद वो दिन आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा प्रत्येक राम भक्त को थी। रामायण में तो हमारे प्रभु को सिर्फ 14 वर्ष का वनवास हुआ था, परंतु कलयुग में उन्हें अपने घर वापस आते आते लगभग 500 वर्ष लग गए। इतना लंबा इंतज़ार अब खत्म होने को है। यह आयोजन और भी ज़्यादा भव्य होता यदि यह कोरोना न आया होता, परंतु हम प्रत्येक भारतीय को इस बात की प्रसन्नता है कि हम दूर से ही सही इस अद्भुत और अलौकिक आयोजन के साक्षी बनेंगे। हमारा तन घर पर रहेगा, पर मन तो श्री राम जी के चरणों में ही लगा रहेगा। भीड़ ज़्यादा ना हो और सभी इस आयोजन के भागीदार बन सके, इसके लिए सारे आयोजन का सीधा प्रसारण टीवी पर देखने को मिलेगा। यह भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा एवं संत समाज की उपस्थिति में संपूर्ण होगा। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। सड़कों से लेकर घरों तक भगवान राम नजर आएंगे। सड़कों पर रंग बिरंगी टेंट और पोल लगा दिए गए हैं। सारी नगरी को लाइटों से सजाया जा रहा है। ये लाइट्स 1 अगस्त से 5 अगस्त तक जलेंगी। हर एक घर के बाहर पेंटिंग की जा रही है। दीवारें रंगने के साथ ही साथ दीवारों पर देवी देवताओं की पेंटिंग भी की जा रही है। भव्य भूमि पूजन से पहले 3 दिन का वैदिक अनुष्ठान होगा। यह अनुष्ठान 3 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त तक चलेगा। यह अनुष्ठान नींव के पत्थर के रूप में चांदी की ईंट की स्थापना को लेकर के होगा। पहले दिन गणपति पूजन एवं पंचांग पूजन के साथ अनुष्ठान की शुरुआत होगी। साथ ही वाल्मीकि रामायण एवं कई अन्य शास्त्रीय ग्रंथों का पाठ भी शुरू होगा। दूसरे दिन पाठ की निरंतरता को आगे बढ़ने के साथ रामार्च पूजन और प्रवचन का क्रम संयोजित होगा, जबकि भूमि पूजन के दिन शास्त्रानुकूल भूमि पूजन का पारंपरिक अनुष्ठान होगा। इसे 10 से 15 वैदिक आचार्य संपादित करेंगे। दोस्तों, ये जो चांदी की ईंट है, देश भर के सराफा एसोसिएशंस ने दान की है और भी ईंटें आ रही हैं, तो तीर्थ ट्रस्ट के लोगों ने देशवासियों से अपील की है कि वो चांदी की ईंटें और ना भेजें। इसके अतिरिक्त वो कैश ट्रस्ट में जमा कराएं, जिससे कि इसका उपयोग मंदिर निर्माण कार्य में अन्य स्थानों पर किया जा सके। आखिर 5 अगस्त को ही क्यों चुना गया, इसके पीछे क्या कारण है? दोस्तों, हम सभी को पता है कि श्री रामचंद्र जी का जन्म दोपहर 12 बजे के आसपास हुआ था। राम नाम का मुहूर्त 5 का है और यही सर्वार्थ सिद्ध का योग है। ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इसे अगर भूमि पूजन किया जाता है इस समय, तो सर्वार्थ की सिद्धि की प्राप्ति होती है। इस मुहूर्त में सभी कामनाओं की पूर्ति होती है, इसलिए इस शुभ मुहूर्त में पूजन किया जा सकता है। इन सब बातों पर विचार करके ही 5 अगस्त तिथि को फाइनल किया गया। हालांकि कुछ अपवाद भी आए, परंतु स्वतः ही वे शांत हो गए। तो दोस्तों, 5 अगस्त दोपहर 12:15 से 12:15:47 तक कुल 32 सेकंड में पीएम मोदी भूमि पूजन करेंगे। पीएम मोदी के हाथों आधारशिला के रूप में 5 नक्षत्रों की परिचायक रजत शिलाएं रखी जाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी तांबे का कलश स्थापित करेंगे। इस कलश में वैदिक रीति के मुताबिक गंगा जल के अतिरिक्त सभी तीर्थों के जल, सर्व औषधि, पंचरत्न रखे जाएंगे। इसी के साथ चांदी के नाग नागिन, भूमि के आधार देव भगवान विष्णु के कश्यप अवतार के प्रतीक कछुआ भी नींव में स्थापित किए जाएंगे। साथ ही साथ नींव में संपूर्ण पूजन के पश्चात 40 किलो चांदी की ईंट भी स्थापित की जाएगी। वैदिक वास्तु पूजन के अनुसार कलश स्थापना के बाद 5 ईंटों की पूजा होगी। इस वैदिक पूजन के बाद सारी सामग्री नींव में स्थापित कर मंदिर का औपचारिक निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा और इस प्रकार से श्री राम मंदिर का श्री गणेश हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस मौके पर बहुत ही खास चीज़ होने जा रही है। इस बार टाइम कैप्सूल ज़मीन में डाला जा रहा है, करीब करीब 2000 फीट नीचे, जिसमें कि इस मंदिर से जो भी संबंधित ऐतिहासिक और सभी ज़रूरी दस्तावेज हैं वो इसमें डाल दिए जाएंगे, जो कि
हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहेंगे। कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, तो इसीलिए सारी सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस टाइम कैप्सूल को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि से जुड़े सभी कागज संस्कृत भाषा में ताम्र पत्र पर लिखकर डाला जाएगा, तो इससे हमारा इतिहास सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, ये जो आयोजन है वो केवल एक दिन का आयोजन नहीं होगा। मंदिर का भूमि पूजन 1 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त तक चलेगा। इसमें अयोध्या में तमाम मठ मंदिर सरयू तट ही नहीं, देश दुनिया का हर देवालय दीपों से जगमगा जाएगा। हर घर में रोशनी से लगदग दिखेगा, पटाखे फूटेंगे, मिठाइयाँ बटेंगी। मेरे राम जो घर वापस आ रहे हैं, रामनगरी के सभी शिवालयों सहित संपूर्ण सरयू तट को घी के दियों से रोशन करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अब हमें क्या करना है इस दिन? दोस्तों, हिंदू महासभा ने 5 अगस्त को दिवाली मनाने की घोषणा की है। उन्होंने सभी हिंदुओं से ये आग्रह किया है कि वो इस दिन को धूमधाम से मनाएं। दोपहर 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक राम नाम का जाप करें, सुंदरकांड करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, श्री रामचरितमानस का पाठ करें और घर पर भगवा ध्वज लहराएं, घर को रंगोली से सजाएं और शाम को घरों की छत पर, बालकनी में या मुख्य द्वार पर कम से कम 5 दिए अवश्य जलाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा अवश्य लगाइए। और दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को प्रत्येक देशवासी तक शेयर अवश्य कर दीजिए। जय सियाराम।